Hello everyone, this is Ashishan. This is a continuous video on detection. Today we will do another detection, that is 80ccd. 80ccd. That is detection under National Pension Scheme. Class, अगर आपने मेरी जो है detection की first video नहीं देखी, so first watch that video first, then come to here. Okay? बिकॉज ये कि सारे जो डिडक्शन हैं वो बेसिकली सम ऑफ द डिडक्शन आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक है, सो पहले आप वो डिडक्शन अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आप ये नई डिडक्शन पढ़ना. बिफोर आई स्टार्ट विद द न्यू डिडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गेट नो अबाउट द नेशनल पेंशन स्कीम. इसमें आपको एक डिटेल एनालाइज करना पड़ेगा कि आखिर ये स्कीम है क्या, हाउ डज इट वर्क, हाउ द पीपल और कैन से द इंडिविजुअल गेट इन्वेस्टमेंट अंडर द स्कीम, हाउ गवर्नमेंट टैक्सेबल मेक टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉई एज वेल एज इंडिविजुअल्स, देन व्हाट आर देयर एग्जम्पशंस. ठीक है, कितना अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होगा, सब कुछ हम पढ़ेंगे अंडर दिस स्कीम, दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम. देखिए, बिफोर आई स्टार्ट आई वॉन्ट टू से कि ये जो डिडक्शन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्लस ये थोड़ा ट्रिकी भी है बिकॉज इसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बेसिकली गेट कन्फ्यूज इन द एग्ज़ाम कि इसको आके हैंडल कैसे करें. ठीक है, सो देखिए मैं आपको लाइक जो भी नोटिंग करा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि आखिर है क्या. लेट स्टार्ट विद द नेशनल पेंशन स्कीम. देखिए, मान लीजिए देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ पर्सन. सपोज दिस इज इंडिविजुअल and there is another person who is basically an employee. ठीक है, देखिए अगर ये employee है तो साथ में इसका कोई employer भी होगा. ठीक है, now there is a fund which is called NPS fund. ये fund क्या होता है इसके? जैसा मान लीजिए आप कौन हो, इंडिविजुअल हो. ठीक है, एंड सपोज अगर आपको किसी बैंक में अगर हमारे जाकर इन्वेस्टमेंट करनी है इन द फॉर्म ऑफ FD और यू कैन से रिकरिंग डिपॉजिट. ठीक है, सो फर्स्ट यू नीड टू ओपन योर अकाउंट इन द बैंक. तो यहाँ पर भी क्या होता है, ये फंड क्या है, एक तरह से बैंक है. दैट मीन्स कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पर पहले उसको अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा या फिर अकाउंट अपना ओपन करना पड़ेगा सो दैट ही और शी कैन इन्वेस्ट इजिली. ठीक है, ये अपना अकाउंट खुद जो वो मेंटेन कर सकते हैं कि कैसे कैसे वो NPS फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो इंडिविजुअल के देखिए इंडिविजुअल केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंडिविजुअल तो अपना अपना अकाउंट यहाँ पर खुद ही क्रिएट कर सकता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, बट इन द केस ऑफ एम्प्लॉय ध्यान से देखिए क्लास, इन द केस ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉयर क्या करता है कि 10% मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ. सपोज अगर 10% एम्प्लॉय का उसने सैलरी से डिडक्ट कर लिया एंड वो अपना भी कंट्रीब्यूशन है कि 10%. ठीक है, क्यूम्युलेटिव अमाउंट कितना रहेगा, 20%. दिस होल 20% विल गो टू दिस अमाउंट. दैट मीन्स बेसिकली एम्प्लॉयर इज गिविंग फ्रॉम देयर ऑन पॉकेट. ये बेसिकली NPS फंड कब इसको यूटिलाइज करते हैं, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, मोस्टली इन द केस ऑफ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. और अगर जब इंडिविजुअल जब नीड हो तो वो अकाउंट अपना वो क्लोज कर सकते. तो बेसिकली एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय को एक एडिशनल बेनिफिट देता है सो दैट दे कैन स्टिक टू देयर कंपनी. ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, इंडिविजुअल अपना कहते हैं ऑन कंट्रीब्यूशन. ये होता है म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन. ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा. अब देखते हैं कि आगे NPS फंड यानी कि आगे ये काम करता है कैसे है. देखिए, ये जो सारा अमाउंट है वो आगे जाके एक ट्रस्ट में जाता है जिसको बोलते हैं हम NPS ट्रस्ट. क्या बोलते हैं इसको, NPS ट्रस्ट.
इन ट्रस्ट का क्या काम होता है? दे बेसिकली इन्वेस्ट फर्दर आउटसाइड इन दी मार्केट, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, एंड देन दे विल गेट रिटर्न आफ्टर सम टाइम। इनको क्या मिलेगा, इन्वेस्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, इनको रिटर्न मिल जाएगा, रिटर्न इन दी फॉर्म ऑफ, रिटर्न इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज डिविडेंड। देखिए, हो सकता है कुछ अमाउंट उन्होंने एज ए लाइक फिक्स डिपॉजिट उन्होंने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया हो, या डिवेंचर परचेस कर लें किसी कंपनी के, सो दे विल गेट इंटरेस्ट। एंड सपोज दे हैव इंटरेस्ट, दे हैव इन्वेस्टेड इन दी इन दी इन दी इक्विटी मार्केट, सो दे विल गेट डिविडेंड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। सो अगर यहाँ पर देखिए, अगर आपने किसी कंपनी में अगर डिवेंचर अगर परचेस करी हो, सो आपको उस पर क्या करता है, TDS देना पड़ता है, तो यहाँ पर भी इनको TDS देना पड़ेगा। सेम इन द केस ऑफ डिविडेंड, क्या कट के मिलेगा, CDT, दैट इज कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स। यहाँ तो मैं क्लियर हो गया। अगर आप ध्यान से देखिए कि NPS फंड आखिर काम करता क्यों है, क्या है ये? देखिए, NPS फंड ट्रस्ट जो है किसके लिए पैसा कमा रहा है, फॉर दी इंडिविजुअल्स एज वेल एज फॉर दी एम्प्लॉयज। क्यों? सो दैट दे कैन विड्रॉ देयर अमाउंट एट दी टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और दे कैन और एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ अकाउंट, ठीक है, तब जो है इनको सारा वो पैसा मिल जाएगा। अब देखिए, इंडिविजुअल अपना सारा पैसा रिटायरमेंट में निकाल लेता है, सेम फॉर एम्प्लॉई। सो क्या टैक्स, ये टैक्स देंगे गवर्नमेंट? कह रही नहीं, बिकॉज ये दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम नहीं कर रहे, ये दूसरों के लिए पैसे कमाते दे रहे हैं, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या कर, इनको एक बेनिफिट दिया है कि वट एवर अमाउंट और वट एवर रिटर्न दे विल गेट इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, दिस होल इनकम विल बी एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1044, क्योंकि वो अपने लिए काम कर रहे हैं, वो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, अगर ये NPS ट्रस्ट के लिए सारा इंटरेस्ट अगर वो एग्जेम्प्ट है, एंड इफ दे गेट दिस होल अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग TDS, दैट मीन्स दे विल क्लेम रिफंड आफ्टर सम टाइम। सो दिस विल क्रिएट सम लूप होल्स और देर विल बी सम प्रॉब्लम, टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा गवर्नमेंट ने, क्या करा, एक यहाँ पर एक रिलैक्सेशन दे दी ओनली फॉर दी NPS ट्रस्ट, कि उनके लिए TDS डिडक्ट नहीं होगा, उनके लिए डिडक्ट TDS डिडक्ट नहीं होगा। अब देखिए, जब ये इंडिविजुअल एज वेल एज जो एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जब ये पैसा सारा विड्रॉ करेंगे, दिस होल द अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय एज वेल एज इन द हैंड ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, देखिए जब NPS ट्रस्ट इन सब इंडिविजुअल एम्प्लॉय हो, एंड बेसिकली देर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज एम्प्लॉय, सो यहाँ पर एक इनको एक क्यूमुलेटिव अमाउंट मिलता है, किस पे, कि इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है और डिविडेंड भी इंक्लूड है। अब इंटरेस्ट तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कर दिया एग्जेम्प्ट, ठीक है, डिविडेंड भी एग्जेम्प्ट कर दिया, लेकिन अब CDT की प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि CDT से तो वो क्या करते, किसके हैंड में वो चला जाता था, वो किसके हैंड में चला जाता था, इसके हैंड में, हैंड में, तो क्योंकि CDT देखिए बेसिकली क्या था, शेयर होल्डर का आदमी जाता है बेसिकली। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जो है किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉई या फिर इंडिविजुअल तक पहुँच नहीं सकता था, क्योंकि वो एक क्यूमेटिव इनके इनके हाथ में जो है, देखिए क्यूमेटिव अकाउंट आता था, इंटरेस्ट भी एज वेल एज डिविडेंड भी मिलता था उनको,
तो उसको बाइफरकेट करना बड़ा डिफिकल्ट होता था कि हाउ मच अमाउंट इज इंटरेस्ट एंड हाउ मच अमाउंट इज डिविडेंड। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या करा, इसको भी यहाँ पर रिलेशन दे दी कि यहाँ पर जो सीटीटी डिडक्ट नहीं होगा। ओके क्यों? बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट दी होल अमाउंट ऑफ द टैक्सेबल इनकम इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय एज वेल एज इंडिविजुअल्स। सो गवर्नमेंट गिविंग सम रिलेशन दैट देर विल बी नो सेलिटी इन दैट इनकम। ओके यस। तो देखिए ये था आपका कि कैसे नेशनल पेंशन स्कीम काम करता है। अब आपके मन में क्वेश्चन रेज हो रहा होगा, सर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डिडक्शन, एंड आपने स्टार्टिंग बोला था सर हम तो डिस्कस करेंगे ATCCD, बट अभी तक तो सर आपने डिडक्शन का एक नाम वर्ड भी यूज़ नहीं करा, आपने तो एग्जम्पशन बढ़ा दी उल्टा। देखिए डिडक्शन पढ़ने से पहले मुझे बताना पड़ेगा कि नेशनल पेंशन स्कीम कैसे काम करता है, ठीक है? तभी आप इसकी जो है इन डेप्थ इसकी नॉलेज ले पाओगे, तभी इसके आप लॉजिक में जाओगे कि टैक्स है तो कैसे है लगा, एग्जेम्प्ट है तो कैसे लगा, ठीक है? आगे पढ़ते हैं, देखिए जरा से। अच्छा ये जो गवर्नमेंट ने जो टैक्सेबल लगाया था ना, ये टैक्सेबल है, इसमें भी गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दिए हुए हैं, जरा ध्यान से देखिए। अगर एम्प्लॉय या अगर एम्प्लॉय कि मैं कर रहा हूँ एम्प्लॉय के समय, अगर एम्प्लॉय फुल्ली अमाउंट विड्रॉ कर लेता है, ठीक है, तो जितना भी अमाउंट वो विड्रॉ करेगा उसको 60% अमाउंट विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 12A, सॉरी अंडर सेक्शन 10 क्लोज 12A। एंड अगर उसने पार्शियल अमाउंट विड्रॉ करा तो उस केस में जो है एग्जेम्प्ट होगा 25%। सॉरी 25% अंडर सेक्शन 10(12)(b)। ये कब है? एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ NPS फंड, ठीक है? अच्छा ये भी किस कौन से केस में है, ये मैंने बताया इन द केस ऑफ एम्प्लॉई, ठीक है? अब पढ़ते हैं इन द केस ऑफ इंडिविजुअल। जो भी टैक्सेबल अमाउंट होगा वैसे ही, जैसे मान लीजिए फुल्ली अगर अमाउंट विड्रॉ करा है तो क्या होगा, पार्शियली निकाला है तो क्या होगा, अगेन दिस विल बी एग्जेम्प्ट 60% ऑफ अमाउंट ऑफ विड्रॉ अमाउंट सेम अंडर सेक्शन 10(12)(a). बट इन दी केस ऑफ पार्शियली वट एवर अमाउंट पार्शियल अमाउंट इज विड्रॉ दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल। ये इम्पोर्टेंट है, मिस्टेक क्या होती है, ठीक है? ये हम कहाँ पर किस केस में पढ़ रहे हैं, इन दी केस ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन है, हु एक्चुअली मेंटेन हिज और हर ऑन अकाउंट होल ऑन NPS फंड, वो खुद ही अपना जो है मेंटेन करते हैं NPS फंड, एंड ये किसके थ्रू करते हैं, एम्प्लॉयर के थ्रू, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको उत्तर। चलिए अब पढ़ते हैं हम सेक्शन ATCCD, यहाँ से देखिए। देखिए जब हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं, देखिए सैलरी में बेसिकली इंक्लूड क्या क्या होता है, जैसे आप फर्स्ट निकालते हो बेसिक सैलरी, यहाँ कुछ अमाउंट आ सकता है, डियरनेस अलाउंस यहाँ भी कुछ आ सकता है, ठीक है? साथ साथ में देखिए इंक्लूड क्या होता है, जब हम निकालते हैं तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वो भी हम ऐड करते हैं एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, क्योंकि देखिए एम्प्लॉयर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया सो दिस विल बी इनकम फॉर द एम्प्लॉय,
जितना भी कंट्रीब्यूट किया वो अमाउंट यहाँ पर आपका अंदर आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर सैलरी से जब आप निकालते हो, उससे पहले क्या होता है कि कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो स्टेट वे सैलरी इनकम पर्सन को मिलती है, जो कि 50,000 होती है, वो भी लेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टैक्सेबल सैलरी। देन एट द एंड क्या करते हो, फिर आप डिडक्शन से माइनस करते हो डिडक्शन। पहले क्या करते हो, ATC की, देन ATCCD की, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। जरा से देखिए, तो ये क्या था आपका, मान लीजिए यही आपका क्या था, GTI आ गया, मान लीजिए सपोज GTI आ गया। एट द एंड पे क्या रहेगा आपका, TTI माइनस करते हो टोटल टैक्सेबल इनकम, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, जीटीआई में जितना भी अमाउंट आएगा, ठीक है, वो लिखना है। देन एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, ये वर्किंग नोट करनी है फॉर दिस, आपको लिखना है एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज विद एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, ठीक है। साउंड सिमिलर है बट ये कौन सा, क्या यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, एम्प्लॉई, ठीक है। सो वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट ने कुछ एग्जेम्पशन दी हुई, डिडक्शन दी हुई है, जो भी एम्प्लॉय ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है, दिस अमाउंट विल बी डिडक्ट, और यू कैन से गवर्नमेंट गिविंग सम डिडक्शन, कितनी है 50,000 अंडर सेक्शन 80CCD 1B। आई रिपीट, जितना भी एम्प्लॉय ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है, वो अमाउंट जितना भी दिया वो अमाउंट यहाँ लिखिए। देन इसको आप क्या करो, पहले जितनी भी अमाउंट है उसका स्ट्रेट अवे अमाउंट जो आप डिडक्शन ले जाओ, कितनी 50,000 दी। नेक्स्ट, अगर कुछ अमाउंट रिमेनिंग रह गया, देन यू नीड टू राइट बैलेंस कंट्रीब्यूशन, बैलेंस कंट्रीब्यूशन, देन बैलेंस लिमिट अंडर सेक्शन 80C। 80C मतलब मैंने आपको पहली बार, अगर आपने मेरी लिया लास्ट वीडियो डिडक्शन डायग्राम 80C जहाँ मैंने पूरा समझाया, नहीं देखिए तो आप वहाँ देखिए। 80C में देखिए डिडक्शन कितनी मिलती है, टोटल 1,50,000। अगर मान लीजिए सपोज आपने 1,50,000 में से आपने अब तक सिर्फ 50,000 डिडक्शन लिया, तो बैलेंस लिमिट कितनी रहेगी, वो आप कितनी रहेगी 1,00,000, वो आप यहाँ लिखिए। सर जीरो आई तो जीरो लिखिएगा, ठीक है। देन यहाँ लिखना है आपको 10% ऑफ सैलरी। यहाँ पर सैलरी में देखिए क्या इंक्लूड होगा, बेसिकली सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा, बेसिक सैलरी प्लस DA, DA भी कौन सा होगा, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला ये लिखना है। एंड इन दिस केस विच एवर इज लोअर दैट विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 80CCD 1A। मैं फिर से धीरे रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लिखना है, जितना भी एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट करा अपनी सैलरी में से, देन स्टेट ऑफ 50,000 डिडक्शन आपको उसको मिलेगी अंडर दिस सेक्शन, सॉरी अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। देन जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आपको यहाँ लिखना है, एंड द रिमेनिंग अमाउंट दैट मीन्स बैलेंस लिमिट अंडर सेक्शन 80C वो यहाँ लिखनी है। एंड द 10% ऑफ सैलरी विच इंक्लूड बेसिक सैलरी प्लस DA ऑफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, एंड विच एवर इज लोअर ऑफ दीज विल गेट एग्जेम्प्शन अंडर सेक्शन 80CCD 1A।
अच्छा, आप पूछोगे सर अगर बैलेंस शीट में अगर जीरो हो तो क्या यहाँ पर लोअर आपका जीरो आ जाएगा? एग्जैक्टली, अगर ये बैलेंस शीट में अगर जीरो आ जाएगी तो लोएस्ट कौन सा होगा? जीरो हुआ तो आपको जीरो ही मिलेगा। ओके, ये कौन सा केस था? इन द केस ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की, क्योंकि इसको तो दोनों ही मिला, सैलरी तो स्किल दोनों ही गया। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, क्या करना है आपको बेसिकली? एक्चुअल अमाउंट, सॉरी एक्चुअल लिखना है आपको पहले, एक्चुअल एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, देन 10% ऑफ सैलरी। सर सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा? वही जो यहाँ पर लिखा हुआ था। ठीक है, दैट इज बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए कौन सा? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट। देन अच्छा, यहाँ पर ज़्यादा ध्यान से देखिए, ये जो 10% है इसमें भी कुछ गड़बड़ है। 10% के साथ साथ 14% ऑफ सैलरी भी आएगा। सर फिर आपने 10% क्यों लिखा? क्योंकि ये है सिर्फ और सिर्फ इन द केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? अब विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर विल गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD 2, अंडर सेक्शन 80CCD 2। स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना, देखिए अभी हमने क्या करें, एनपीएस दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक तो इंडिविजुअल का और एम्प्लॉय का। अभी हमने जो डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं? 80CCD। ठीक है, ये जो हमने फर्स्ट केस जो सोल्व किया, अभी जो डिस्कस किया डिडक्शन, ये सिर्फ हमने एम्प्लॉय के केस में किया है, अभी इंडिविजुअल पे नहीं आया है। ठीक है, एम्प्लॉय केस में है तो एम्प्लॉय के यहाँ पर दो दो इनकम होती है, एक तो खुद का कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो हर साल दे रहा है, तो उसकी डिडक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिविजुअल में। इन केस ऑफ अदर इंडिविजुअल्स, मैं आपको पहले बताता हूँ कि अपन का अपना खुद का कंट्रीब्यूशन होता है उनका। इन एनपीएस अकाउंट, अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, वैसे ही होगी जैसे हमने पहले के लिए आंसर किए। जैसे पहले हम करेंगे जीटीआई जितना भी अमाउंट आएगा, उसके बाद जब हम सीसीडी कैलकुलेट करेंगे एडिशन के लिए, तो देखेंगे यहाँ पर उसने कि एज एन इंडिविजुअल उसने कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया। सॉरी फ्रेंड्स, जितना भी उसने कंट्रीब्यूट करा वो आप यहाँ लिखा। ठीक है, देन दिस अमाउंट अगेन सेग्रीगेट इनटू टू पार्ट, सेम वही कैलकुलेशन। फर्स्ट ही विल गेट डिडक्शन स्ट्रेट अवे ऑफ 50,000 अंडर सेक्शन 80CCD 1B जो हमने ऊपर किया था सेम। ठीक है, एंड अंडर दिस सेम वही कैलकुलेशन होगी। क्या क्या करते हैं देखिए, हम बैलेंस कंट्रीब्यूशन, जो रिमेनिंग पार्ट रह गया आफ्टर 50,000, देन बैलेंस लिमिट ऑफ 80C सेम, एंड देन 20% ऑफ GTI। 20% को सर वह देखिए, वहां पर भी तो एम्प्लॉय को दोनों बेनिफिट मिल रहा था, 10% खुद का 10% एम्प्लॉयर का, तो यहाँ पर भी तो इंडिविजुअल को मिलना चाहिए 20%। ठीक है, बट यहाँ पर 20% क्या है? GTI, क्योंकि सैलरी तो है नहीं तो उसकी इनकम ही देखेंगे उसका।
सो विच एवर इज लोअर विल गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD 1B। क्लास यहाँ पर ध्यान से देख लो, स्थिति हो जाती है, ये अंडर सेक्शन 80 CCD 1B है, यह है सेक्शन क्लॉज और यह है सब सेक्शन 80 CCD सब सेक्शन 1B, यह है सेक्शन क्लॉज, ठीक है, ये बड़ा भी है, बड़ा भी है, स्मॉल भी है, ठीक है। तो ये था आपका डिडक्शन इन द केस ऑफ इंडिविजुअल। आई होप आपको समझ आया अच्छे से। चलिए अब हम इसके आप इसकी नोटिंग कर लेना मेरे वीडियो क्लोज करके। नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ताकि आपको जो है समझ आ जाए कि एक्चुअली में इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करते हैं। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 1। मिस्टर मयंक is employed in XYZ Limited. He gets a basic salary of 80,000 per month and dearness allowance equal to 40% of basic salary. 50% of DA forming part of retirement. Both Mayank and XYZ Limited contribute 14% of basic plus DA to new pension scheme refer to in section CCD. Mr. Mayank also paying premium for LIC of rupees 45,000 and 15,000 for यहाँ पर NSC आएगा NSC, please make correction। यहाँ पर जो 15,000 के जो डिडक्शन है यहाँ पर कौन सी है, NSC, ठीक है। इनकम फ्रॉम HP हाउस प्रॉपर्टी कितनी है, 1,20,000। नाउ वी नीड टू कंप्यूट टैक्सेबल अमाउंट। तो देखिए मिस्टर मयंक जो है वो उसको क्या मिल रहा है, बेसिक सैलरी मिल रही है ऑफ रुपीज 80,000 पर मंथ, एज वेल एज ही ऑल्सो गेटिंग डेयरनेस अलाउंस दैट इज 40% ऑफ बेसिक सैलरी एंड ही इज and his employer also contributing amount of 14% of basic plus DA. तो देखिए ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट वी विल राइट बेसिक सैलरी कितनी है, 80,000 फॉर 12 मंथ्स, दिस विल बी 90,60,000। देन he is also getting dearness allowance which is a 40% of basic salary, this amount will be 3,84,000. Next, while we are calculating the taxable salary, so we need to include the employer's contribution also, ठीक है। So यहाँ लिखेंगे employer contributions ठीक है, विच इज अ 14%, ठीक है। सो देखिए 14% कितना आएगा यहाँ पर, 1,88,116। नाउ देर इज नो मोर इनकम फ्रॉम द सैलरी। नाउ मिस्टर मयंक विल गेट स्ट्रेट अवे स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ रुपीज 50,000। ये जो डिडक्शन है जब हम सैलरी चैप्टर करेंगे वहाँ पर आपको मैं इन डिटेल समझाऊंगा कि है क्या, ठीक है। नाउ दिस इनकम विल बी 14,32,160। सो ये क्या आ जाएगा आपका, इनकम फ्रॉम सैलरी, नेक्स्ट क्या गिवन है देखिए आपको, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी
विच इज अमाउंट ऑफ 1,20,000. नाउ सम ऑफ ऑल दिस. सॉरी आई थिंक टोटल मिस्टेक है. यहाँ पर ये आएगा 14,82,160. टोटल करें यहाँ पर आएगा 16,02,116. नाउ दिस इज अ ग्रोस टोटल इनकम. नाउ फ्रॉम दिस टोटल इनकम मोस्ट अमाउंट विल गेट डिडक्शंस. ठीक है, फर्स्ट डिडक्शन देखिए कौन सी है, 80C की. 80C में देखिए कौन कौन सी थी, 45,000 फॉर LIC एंड 15,000 फॉर NSE. टोटल कितना हो गया, 60,000. तो यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा. एंड देन ऑल्सो फॉर 80CCD जो कि हम अभी कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग वर्क में इसके हम सब कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ क्लियर हो जाएगा. अब 80CCD की देखिए कैलकुलेशन करेंगे. बुकिंग नोट बहुत ध्यान से बनाना आपको. पहले हम लिखेंगे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन. ठीक है, देखिए कितना अमाउंट उसने कंट्रीब्यूट किया जरा ध्यान से देखिए. ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, जितना एम्प्लॉयर ने करा उतना ही एम्प्लॉय ने किया. वही अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे देखिए, 1,88,116. अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो 50,000 देखिए उसको यहाँ मिल गई. ठीक है, कौन सा सेक्शन में, अंडर सेक्शन 80CCD 1B में. अब रेस्ट जो इनकम है वो कितनी रहेगी, 1,38,160 बैलेंस हो गया, प्लस बैलेंस लिमिट ऑफ अंडर सेक्शन 80C. उसने देखिए कितनी डिडक्शन ली, 60,000 की. आउट ऑफ 1,50,000 रिमेनिंग कितने रह गया, 90,000. वो यहाँ लिखेंगे. देन क्या था, 10% ऑफ सैलरी. अब जरा ध्यान से देखिए क्या था यहाँ पर आपका, 10% ऑफ सैलरी. बट सैलरी में क्या क्या इंक्लूड था, बेसिक सैलरी प्लस DA. अब यहाँ पर DA में क्या था, ओनली फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट. देखिए क्वेश्चन में क्या देखो क्या लिखा हुआ था, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ DA कितना है, ओनली 50%. यानी DA जितना मिला उसका 50% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप 9,60,000 प्लस इसका हाफ. ठीक है, उसका आपको क्या करना है, 10% निकालना है. ठीक है, सो दिस विल बी 1,15,200. 1,15,200. नाउ वी विल टेक द लोअर ऑफ दिस, इट इज 90,000. नाउ दिस विल बी दैट मीन्स मेन इन्वेस्टमेंट विल गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD 1A. ठीक है, ये था एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन. पढ़ते हम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन. देखिए एम्प्लॉयर ने भी देखिए यही अमाउंट कंट्रीब्यूट किया था. तो देखिए क्या क्या लिखेंगे, ऊपर क्या लिखा हुआ था, एक्चुअल एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दैट इज 1,88,116. देन क्या था आपका, 10% और 14%. 14% किस किस में था, 14% किस केस में था, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो, यहाँ पर XYZ लिमिटेड है दैट इज प्राइवेट कंपनी है. ठीक है, देखिए कोई चाहे कोई प्राइवेट कंपनी या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो तो वो 10% ही आएगा. तो 10% हमने निकाले लिया, दैट इज 1,15,200. ठीक है, लोअर क्या हुआ आपका, 1,15,200. इसकी डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80CCD 2. तो यहाँ पर देखिए मिस्टर मयंक को कितनी डिडक्शन मिलेगी, 50,000 प्लस 90,000 प्लस 1,15,200. ये सारी डिडक्शन मिस्टर मयंक को मिल जाएगी. ठीक है,
नाउ द सम ऑफ ऑल दिस विल बी, यहाँ पर लिखेंगे हम कितना अमाउंट आएगा टोटल का, 2,55,200 टोटल आपका आ गया ये टी टी आई, दैट इज 1 लैख, सॉरी 12,26,960। दिस विल बी आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि जो भी मैं आपको वर्किंग कर रहा हूँ बहुत अच्छे से समझना है। क्वेश्चन के लिए देखिए, आपको पहले आपको क्वेश्चन मेरी वीडियो पॉज करके पहले पूरा क्वेश्चन आप नोट डाउन करो, ठीक है? कोशिश हो सकती है तो पहले आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो, देन आप मेरा सोल्यूशन दे दो, ठीक है? देखिए, कोई भी इनकम टैक्स का कोई भी क्वेश्चन रोके देखिए, पढ़ाई करने में सही तरीका ये है कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, जितना हो सके जितना आपको हो सके उतना क्वेश्चन पहले आप खुद ट्राई करो, फिर देन आप जो जो भी सोल्यूशन जो भी आपको टीचर दे रहा है वो सोल्यूशन से मैच करो, ताकि आपको आपको अपनी मिस्टेक मिस्टेक पता लगे कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हो, ठीक है? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मिस्टर दीपक डूइंग बिजनेस हैज GTI 9 लाख, ही कंट्रीब्यूटेड 2,50,000 टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80CCD, ही ऑल्सो पेड फर्स्ट प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ऑफ ₹32,000 फॉर सम इश्योर्ड ऑफ ₹28,000, सॉरी दिस विल बी 2,80,000, मेक इट करेक्शन हेयर, दिस विल बी 2,80,000 इंस्टेड ऑफ 28,000, ओके? नाउ वी नीड टू कंप्यूट टी टी आई, दैट इज टोटल टैक्सेबल इनकम। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्या इनकम है देखिए आपको, क्या गिवन है स्टेट भी देखिए आपको, क्या गिवन है जी टी आई गिवन है आपको, दैट इज 9 लाख, ठीक है? नाउ ही विल गेट डिडक्शन अंडर 80C, 80C में देखिए डिडक्शन कितनी मिलेगी, उसने अपना LIC इंश्योरेंस प्रीमियम कितना कर रहा है, कितना कर रहा है वो, कितना पे कर रहा है 28,000, बट हमें देखना है 10% ऑफ सम एश्योर्ड अमाउंट। देखिए लाइफ इंश्योरेंस की क्या कंडीशन थी, अगर उसने 2,000 पहले से कराया तो कितनी मिलेगी इसको, 20% मैक्सिमम, ठीक है? 2012 के बाद कराया तो कितनी मिलेगी उसको, 10%, यही कंडीशन थी। तो यहाँ पर तो हम यही अज्यूम ले सकते हैं उसने बाद में करा, सो हम क्या करेंगे 2,20,8, 2,80,000 का 10% लेंगे, बट एक्चुअल प्रीमियम कितना पे कर रहा है वो 32,000, तो यहाँ पर 32,000 नहीं लेंगे, ऑनली क्या लेंगे 28,000, तो यहाँ पर 80C की डिडक्शन उसको कितनी मिलेगी, ओनली 28,000 इंस्टेड ऑफ 32,000। नाउ उसने 80CCD की भी करी है, ठीक है? तो अब उसमें देखिए कैलकुलेशन करेंगे, देखिए यहाँ पर वो कौन है, जहाँ से क्वेश्चन को ये कौन है, ये बिजनेस कर रहा है, एम्प्लॉय तो है नहीं, तो ये दैट मीन्स ये किस कौन सा पैसा आपका अदर इंडिविजुअल में, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर उसने कितना कंट्रीब्यूट करा, उसने 2,50,000, देखिए कैलकुलेशन करेंगे इस कैलकुलेशन, सॉरी कितना कंट्रीब्यूट करा उसने 2,50,000, ठीक है? ये अमाउंट अब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फर्स्ट तो देखिए उसको 50,000 की उसको स्टेट भी डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80CCD 1B में मिल जाएगी। बैलेंस अमाउंट कितना रहेगा रिमेनिंग, बैलेंस अमाउंट कितना रहेगा रिमेनिंग, वेट क्वेश्चन में कितना गिवन था एनपीएस में आपको, 2,50,000 उसने कंट्रीब्यूट करा, ठीक है? सो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा ये, दैट इज ₹2 लाख, बैलेंस अमाउंट कितना रहेगा 2 लाख, ठीक है? एनपीएस में देख और 80C की रिमेनिंग अमाउंट कितना रहेगा आफ्टर डिडक्टिंग 20,000 फ्रॉम दी 1,50,000, दैट इज 1,22,000, ठीक है? एंड देन 10% ऑफ कह लेंगे, सॉरी 20% ऑफ GTI, 20% ऑफ GTI दैट इज 1,80,000, ठीक है? यही होगा आपका। तो यहाँ पर देखिए ये
कितना लोअर कौन सा आपका, 1,22,000। अब ये डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 18 CCD 1A, सॉरी 1B। ठीक है, यहाँ पर इसको दो डिडक्शन मिलेगी, 2,000 प्लस 1,20,000 कितना हो गया ये, 1,72,000। तो TDI कितना रह गया, 7 लाख। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक्स कंप्लीटेड हिज स्टडीज ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड इज इमीडिएटली एम्प्लॉयड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। बेसिक सैलरी इज गेटिंग 50,000 पर मंथ, DA 15,000, दैट मीन दिस होल अमाउंट इज बिलोंग टू रिटायरमेंट बेनिफिट। He is also getting bonus amount of rupees 90,000 during the year. His employer contributed 83,000 to the pension scheme being notified under section 80 CCD, and X also contributed the similar amount. अगर ये गिवन नहीं होता तो भी हम एज्यूम यही मान के चलते हैं। देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 50,000 डूरिंग द ईयर ही कंट्रीब्यूटेड 15,000 टू पेंशन प्लान ऑफ LIC, टू PPF 1 लाख एंड पेड LIC प्रीमियम ऑफ रुपीज 16,000। पॉलिसी वैल्यू कितनी है, 1,60,000। ओके, कंप्यूट TDI। देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पहले लिखेंगे हम बेसिक सैलरी 6 लाख, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12, देन DA दैट इज 30% ऑफ दिस 1,80,000। सॉरी, DA कितना गिवन था आपको, 15,000, सॉरी 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 1,80,000। देन वी नीड टू एड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो कि अमाउंट आपको गिवन है दैट इज 83,000। देन दिस पर्सन विल गेट स्ट्रेट अवे स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट 50,000। नाउ इनकम फ्रॉम सैलरी विल बी 9,03,000। सॉरी, देर इज अनदर दैट इज बोनस ऑल्सो गिवन टू यू, सो वी नीड टू एड बोनस ऑल्सो। सो आई एम राइटिंग हियर बोनस दैट इज 90,000। ओके, सो दिस विल बी, यस, द टोटल विल बी द सेम दैट इज 9,02,000। नाउ वी नीड टू एड अनदर इनकम दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच इज 50,000। नाउ द टोटल ऑफ दिस विल बी 9,53,000। दिस इज अ ग्रोस टोटल इनकम। नाउ दिस पर्सन विल गेट डिडक्शन फर्स्ट फ्रॉम अंडर सेक्शन 80C। 80C में देखिए क्या क्या गिवन था, LIC, EPF एंड LIP, दिस इज लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड दिस इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस कितना पे करा, 15,000। ये उसने कितना पे करा, 1 लाख। एंड इसमें हमें चेक करनी पड़ेगी उसकी सम एश्योर्ड वैल्यू कितनी चेक करनी पड़ेगी, हमें देखना है 10% ऑफ दिस अमाउंट दैट इज 12,000 आएगा, नॉट 16,000। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आएगा 12,000। नाउ द सम ऑफ ऑल दिस विल बी 1,27,000 वी गॉट अंडर सेक्शन 80C। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट फॉर 80CCD। ये कौन है, एम्प्लॉय। यहाँ पर हमें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, पहले हमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन
चेक करना है कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट है, 83,000। फर्स्ट क्या है यहाँ पर देखिए, 50,000 ही विल गेट स्टेबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD 1B। बैलेंस कितना रहेगा, 33,000, ठीक है। एंड देन बैलेंस अमाउंट ऑफ लिमिट ऑफ बैलेंस लिमिट ऑफ अंडर सेक्शन 80C, कितनी डिडक्शन दे चुका है वो आउट ऑफ बैलेंस 50,000, दैट इज 27,000। रेमेनिंग कितना रहेगा, 23,000। देन 10% ऑफ सैलरी, बट सैलरी में क्या अकाउंट होना चाहिए, बेसिक प्लस डीए ऑफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट। बट यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, दी होल अमाउंट इज बिलोंग टू रिटायरमेंट बेनिफिट, तो पूरा अमाउंट लेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 10% आ जाएगा 7,80,000, दैट इज 78,000, ठीक है। सो अब आपका लोअर अमाउंट क्या रहेगा यहाँ पर, 23,000। दिस अमाउंट विल बी डिडक्ट फ्रॉम अंडर सेक्शन 80CCD 1A। नाउ कम टू एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, फर्स्ट का लिखते हैं हम एक्चुअल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, दैट इज 83,000। एंड देन 10% और 14%, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है, अगेन 10% आएगा 78,000। लोअर क्या आया आपका, 78,000। अब डिडक्शन कहाँ मिलेगी, अंडर सेक्शन 80CCD 2, सॉरी यस। तो यहाँ पर देखिए 50,000 प्लस 23,000 प्लस 78,000, ठीक है, ये तीनों डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80CCD। तो यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा आपको, ये दैट इज 1,51,000, ठीक है। माइनस करेंगे, दिस विल बी 6,75,000, दिस इज अ टीडीआई। देखिए अब तो आपको कंप्लीट करना आता है आपको इसलिए कि हाउ टू कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी। सो अब आपके हाथ में टीडीआई, बाकी के तो आपके हाथ में सिलेबिलिटी देखो निकालो, ठीक है। सो क्लास दिस इज दी होल अबाउट दी नेशनल पेंशन स्कीम 80CCD। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, थैंक यू।